और दोपहर प्राइम टाइम में अब हम आपको कानपुर की वो खबर दिखाते हैं जिससे पूरा यूपी हिल गया है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से इतना भीषण हादसा हुआ कि 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। ये सभी लोग चंद्रिका देवी मंदिर में बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे, बस घर पहुंचने ही वाले थे कि 5 किलोमीटर पहले मौत आ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली का ड्राइवर नशे में था जिसकी वजह से ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और 26 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई। कई लोग घायल हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 26 लोगों की जान गई है। जिस गाँव के लोग थे उस गाँव में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो खुद घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे, घायलों से मिले और हर संभव मदद का भरोसा यूपी सरकार की तरफ से दिलाया गया है। साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल अब सवारी ले जाने में ना हो, यह बात भी सुनिश्चित करवाई जाएगी यूपी सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए भी नजर आए। कानपुर की घटना पर योगी सरकार एक्टिव हो चुकी है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। सीएम ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोगों से उन्होंने इलाज के बारे में पूछताछ की। योगी अपने बयान में कहते नजर आए कि हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए गृह विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी चीज का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्यों के लिए हो सके। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहां पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवहन विभाग से बात करके इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों का इस्तेमाल लोगों को ढोने में ना हो, उनके सवारी के तौर पर ना हो। हालांकि इंडिया टीवी की टीम उस गांव में पहुंची जहां आज मातम पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने कोरथा गांव के पीड़ित परिवार से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर हादसा कैसे हुआ। रुचि कुमार ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। घाटमपुर का ये कोरथा गांव है, यहाँ पे हर घर आपको इस तरह से रोते हुए लोग दिखाई देंगे क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। 26 लोग एक साथ इस गांव के खत्म हो गए हैं। ये घर है, आपकी माँ गई थी इस मुंडन में शामिल होने के लिए, भाई भी गया था, 2 लोग गए थे। क्या हुआ फिर? अम्मा खत्म हो गई है और भाई भाई अस्पताल में भर्ती है।
भाई कितना बड़ा है आपका? 17 साल का। तो जैसे जब ये मुंडन के लिए था तो क्या कह के गई थी माँ आपकी कि वहाँ जा रहे दर्शन करेंगी और मुंडन में भी शामिल होंगी? क्या बोला था बताइए, बता दो। हाय अम्मा, हाय अम्मा, इस तरह से इतनी तकलीफ में है क्योंकि ये सब इनके घर वाले गए थे मुंडन में शामिल होने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मौत की खबर आई है इस गांव में। तो पूरे गांव में आप देखेंगे हर घर में इस तरह का मातम यहाँ पर पसरा हुआ है। और ये लोग भी कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था वो शराब पिए था और बहुत तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। पूरे गांव में मातम है, सन्नाटा है, घर घर लोगों की जाने गई हैं, उनके घर वालों की। और इस तरफ वो घर है जो बच्चा है जिसका मुंडन था, जिसमें मुंडन में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ये लोग गए थे। आपके घर से कौन गया था? हाँ, कौन गया था यहाँ से? मम्मी। हाँ, मम्मी के नातिन रहे, बिटिया के बिटिया। मम्मी है, बहुत इनकी मम्मी। हमारी मम्मी रहे। आपकी मम्मी? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? चंडीकन गई रहा है दर्शन करे, तो वापसी भाई ट्रैक्टर तो ये थाना साड़ के वहाँ टाली पलटी के आगे चल के खंती में पानी भरा हुआ था। साड़ नहीं करके तो फिर टाली जब पानी में तो जनता दब गए। जब यहाँ से को निकालो तो वो फोन ऑन करे, तब यहाँ से जनता गए तब निकाले ना, तो सब भीतर गांव ब्लॉक में भर्ती। मुंडन में भी शामिल हुए? हाँ, मुंडन रहा है। ड्राइवर जी, ड्राइवर के लड़का का मुंडन रहा है। हाँ, तो ये नहीं पता कि वो अस्पताल में भर्ती है कि या कहूँ भाग गए उतर के गाड़ी से, या वो का नहीं जानकारी मिल रही है। तो पूरे गांव को न्योता था, मोहल्ले भरे क्या था। हाँ, कितने लोग गए थे? अब पता नहीं, 40-50 कुछ लोग उतर के गली गली मा चौराहे मा, को सिखटिया को कौड़िया को ऐसा दरिया भर उतरत रहे जगह जगह पर, यहाँ जहाँ जहाँ के रहे तहाँ तहाँ उतरत ही रहे सबको। और फिर ऐसे अपने आपस में उतरत रहे तो वही बच गए, जितने इधर के रहा तो वो यहाँ दब चुके हैं। जैसे जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें 50 लोग एक साथ जाना, ट्रैक्टर ट्रॉली तो गांव में किसानी के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप लोग उसमें क्या इस तरह से जाते रहते हैं? नहीं, अब उनके न्योता है, घर भरे थे गए, एक एक दो दो जन ने करा तो घर भरे थे। अब देखिए 26 लोग इसमें उनकी जान चली गई, कुछ जिंदा बच गए हैं, जो बच गए उनमें से एक महिला हमें मिली। हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी आपको सुनाते हैं। कानपुर के घाटमपुर के इस कोठा गांव में 26 लोगों की जाने चली गई, लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली भी थे जो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, लेकिन वो यहाँ पर हमारे सामने हैं बात करने के लिए। क्या हुआ, कल कितने बजे आप लोग गए थे, क्या हुआ? सुबह कितने बजे गई थी आप? 10 बजे। हाँ। कौन कौन गया था? हम 3 लोग गए, 2 बच्चा हमारे। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुंडन हुआ, फिर क्या किया? मुंडन भैया। हाँ। और मुंडन के आए तरह वहाँ के साड़ के निकल गई, पलट गई गाड़ी। आप लोग कैसे बचे, आप बच्चों के साथ? हम टाली के बाहर गिरे पानी में तो बच गए। हम तो ठार हो गए, हमारा लड़का बुरा तरह इनका ढूंढ ढूंढ पा गया। तो लोग वहाँ पे क्या क्या मतलब, बहुत बच्चे क्योंकि महिलाएं सब दब गई थी तो बहुत लोग बचने के लिए आवाज लगा रहे होंगे। हाँ, क्या हो रहा था? वो तो कुछ चिंता नहीं कर रही थी, अब बाकी सब मुंद गई है ताली की तरह।
क्या रफ्तार बहुत तेज थी ट्रॉली की। ट्रॉली के यहाँ चालू रहा है रफ्तार, हाँ ज्यादा ज्यादा तेज रहा है, पर हमका यह नहीं पता लगा कि अब खंतिम जा रही कि यह कहाँ का जा रही। जब बंचे गिर गए तब हमका नहीं यही सुरता, जब मेरे नाक के मुँह थे पानी भरे लागे तब हमका ध्यान आई कि अगर तो पानी में पड़े हैं तब निकले हैं, तब निकल उड़ा ये टाली के तरह रहे आधा टाली के तरह आधा बाहर उनके डाल के बगल में, तब इनका ये मम्मी मम्मी चिल्लाए बचा लो बचा लो, फिर इनका निकाल रहा है निकल उड़ा। ये तो बहुत छोटे ही है, कैसे कहाँ मिले आपको पानी? नहीं ऐसे हम पकड़े रहे हैं, जब हम उन रहे हैं तो छूट गया है तो फिर इनका निकाल रहा है। तुमको बेटा याद है क्या हुआ था कल, क्या जब उस समय क्या ट्रैक्टर ट्रॉली में भजन बज रहे थे, गाना हो रहा था, बहुत रफ्तार थी, क्या था बता? उस भाई बहन पता है एकदम ट्रॉली दुईदा पर यह उला रहा गाड़ी का तीसरा एकदम पलटी गई नीचे थे, फिर बहुत जन मम्मी से बह रहा हम नीचे सब हमें ऊपर लद ही रहे, फिर हम नीचे से फिर नहीं तो सब पकड़े पकड़े फिर से आ गए बहन निकल के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।